Turn down for what? Turn down for what? हेलो फ्रेंड्स, आज हम गेमिंग टेस्ट करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी S6 प्लस में, जो आपके सामने ये देख सकते हैं पबजी का गेमिंग टेस्ट होगा कि पबजी 3 साल पहले के जो सैमसंग का जो फ़ोन था, फ्लैगशिप फ़ोन, उसमें कैसा चलता है। मुझे उम्मीद है कि वो में गेम अच्छा चलेगा। मैंने ऑलरेडी गेमिंग टेस्ट किया है, बट अब देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है हमारा सैमसंग गैलेक्सी S6 Edge Plus। जी हाँ, बहुत ही अच्छा फ़ोन है। 5.5 इंच का स्क्रीन है, जो 3D स्क्रीन आपको मिलता है। 2.5D कर्व नहीं है, ये 3.0 कर्व्ड है, ठीक है ना। ये पूरा 3D ग्लास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन है। ऊपर की तरफ आपको एक माइक्रोफोन मिलता है और कुछ नहीं मिलता है, माइक मिलता है। आपको पीछे की तरफ आपका मिलता है ग्लास बैग, बहुत ही ग्लॉसी, बहुत ही बेस्ट लगता है। और एक कैमरा और एक फ्लैश लाइट के साथ मिलता है। सैमसंग का प्रिंटिंग भी है, जो ओरिजिनल सैमसंग कंपनी का ही है। मेरा एक बार ग्लास टूट चुका था पीछे का, मैंने चेंज कराया है तो जाके ऐसा है। और नीचे की तरफ आपको मिलता है 3.5 mm जैक, USB केबल अटैचमेंट और आपका स्पीकर। और यहाँ पर हमारा आ चुका है फ़ोन, तो यहाँ पर जो है मैं देख सकते हैं वीडियो पबजी गेमिंग टेस्ट करूँगा। चल तो फ्रेंड्स, मैं बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करना चाहता हूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पबजी मैंने ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल किया हुआ है, सब सेटिंग मैंने कर दिया है, ठीक है। गेम में हाई ग्राफिक्स में चलाऊँगा, ठीक है। एकदम जो हाई इसका होता है, इसका हाई ज़्यादा नहीं हो रहा है, ये आपको मीडियम फ्रेम रेट्स पर सेकंड दे रहा है। और इसका जो क्वालिटी है वो आपका मीडियम तक ही रह रहा है, यानी कि ये बिल्कुल नॉर्मल पे चल रहा है, ठीक है। उससे ज़्यादा सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, बस लिख रहा है दिस विल बी अवेलेबल सोन इन योर डिवाइस, यानी कि ये कभी ऑप्शन होगा इन उससे आगे। तो बस ये अपडेट आया, अपडेट के लिए मैं नहीं करूँगा अपडेट बिल्कुल नहीं करूँगा मैं, क्योंकि शायद हो सके ये पबजी का ही लास्ट गेम हो, क्योंकि जो ओनर है इस फ़ोन का वो नहीं चाहता है पबजी वगैरह गेम चले। बट मैंने उसे मनाया कि मैं पबजी गेम टेस्ट करना चाहता हूँ, दैट इज़ वाई जो है मैंने यहाँ पर कर दिया है पबजी इंस्टॉल। तो ठीक है, पबजी तो चलेगा मेरे ख्याल से, अच्छा ही चलेगा। स्क्रीन इसका बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, बहुत ही बेस्ट लगता है इसका स्क्रीन। जो पूरा साइड में आपको अच्छे से कर्व मिलता है और पूरी तरह से जो है आप देख सकते हैं एकदम साइड में एजेस है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब स्क्रीन काफ़ी बेहतरीन लग रहा है देखा जाए तो। यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, मैं डायरेक्ट आपको सीधा पैराशूट में ले चलता हूँ प्लेन में। और यहाँ पर हम लोग पोचिनकी में लैंड कर रहे हैं, तो पोचिनकी मुझे इसलिए बेस्ट लगता है ना, क्योंकि यहाँ पर पोचिनकी में जो इंटेंस गेमिंग होता है, इंटेंस गेमिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है पबजी में, बहुत ज़्यादा। मुझे डिफेंसिव खेलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि डिफेंसिव में जब भी खेलता हूँ मैं मारा जाता हूँ। मैं इस बात मतलब मैंने खुद का सर्वे किया था तो मुझे ये पता चला था, इसलिए मैं अटैकिंग खेलता हूँ। अटैकिंग में मुझे एटलीस्ट किल्स मिल जाते हैं। गेम आप जितना भी जीते या ना जीते उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपका किलिंग रेशियो अच्छा रहता है तो ही आप एक अच्छे प्लेयर कहलाते हैं, क्योंकि गेम जितना ही बड़ा बात नहीं है पबजी में, प्लेयर्स को मारना बड़ा बात है। एटलीस्ट आप 5 से 6 बंदे एक मैच में मारेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी आप देख सकते हैं कितना फ्रेम रेट्स अटक रहा है, कितना गेम हमारा अटक अटक के चल रहा है। अटक अभी मतलब उतरते समय अटक, अभी तो ठीक ही चल रहा है, स्मूथ है अभी गेम प्ले मेरे ख्याल से, और आगे स्मूथ रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा फ़ोन है। सैमसंग का फ्लैगशिप था 2015 का, अभी 2018 ख़त्म होने वाला है 19, यानी कि करीब करीब समझ लीजिए इसका 3 से 4 साल होने वाला है फ़ोन का। तो आया हुआ मार्केट में, पता नहीं ये कब आया था, बट मेरे ख्याल से ये भी एकदम बिल्कुल जब न्यू था तभी लिया गया था। बट जो इसका ओनर था, जो काफ़ी अच्छा संभाल कर रखा, दैट इज़ वाई अभी तक फ़ोन टिका हुआ है। वरना फ़ोन जानते ही हैं 1 साल में आजकल बच्चे क्या कर देते हैं। तो फ़ोन तो काफ़ी, गेम तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, बहुत ही मस्त चल रहा है, मतलब एकदम मक्खन जैसा चल रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा हमारा गेम वर्क कर रहा है, मुझे तो बहुत ही बेस्ट लग रहा है फ़िलहाल में। तो आगे मैं आपको ऐसे कमेंट्री करता रहूँगा, क्योंकि मुझे बोरिंग लगता है कि ऐसे मतलब गेम चल रहा है आप सिर्फ देख रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये बंदा देखिए, ये नूब है, नूब है पक्का, ये नूब है। देख सकते इसके हरकतों से मुझे पता चल गया ये नूब है, इसको मारूंगा नहीं मैं। देखो भाई, मैं सिर्फ पिस्तौल से मार रहा हूँ, मतलब ये इतने बड़े नूब हैं कि इनको पता भी नहीं है क्या किया जाए। चलो उसको भी मार लेते, इसको भी मार ही लेते हैं। ये कहाँ भागा, इसको मैं हाथ से मारूँगा, हाथ से मारने में मज़ा आता है। ले घुसा, खा घुसा और घुसा, खा ले। तो ये मर चुका है, नहीं मर रहा है, क्यों नहीं मर रहा है? हाँ ये मर गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मर चुका है, इसके पास कुछ भी नहीं है फ़िलहाल में, तो ठीक ही है। चलते हैं उसके तरफ जो मरा था हमारा और एक बंदा। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल में टॉमी गन है, टॉमी गन तो जब कुछ नहीं मिलता है तो टॉमी गन ही बहुत बेस्ट रहता है।
तो दोस्तों मैंने जो है यहाँ पर जो वीडियो को थोड़ा सा 1.25x जो है स्पीड बढ़ा दिया है, और यहाँ पर स्पीड बढ़ाने के बाद आप देख सकते हैं गेम प्ले बिल्कुल वही रहेगा, नॉर्मल चलेगा। तो यहाँ पर बंदे ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं मुझे, बस यही मकसद है, जो भी मिल जाए जहाँ मिल जाए इसको भी मार दूंगा मैं। मैं आज किसी को छोड़ूंगा नहीं, ना ही आज किसी को मैं, मुझे आज सबको मार देना जी हाँ, क्योंकि जो भी आज रास्ते में आएगा सब आज ख़त्म हो जाएगा। तो देखते हैं कितना किल हो पाता है। एग्जिट गेम नहीं करना मेरे भाई। इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि ये स्क्रीन में, मतलब सैमसंग गैलेक्सी S6 Plus में, मैं आपको बता दे रहा हूँ गेम खेलते समय मुझे क्या प्रॉब्लम लग रहा था और क्या इसका प्रॉब्लम नहीं लग रहा था, ठीक है। पहला बात तो इसका जो स्क्रीन है वो मुझे थोड़ा सा दिक्कत लग रहा था, इसलिए मैं मतलब दिक्कत बोल रहा हूँ ना, क्योंकि जो है ये देखो मैंने निहत्ते पे वार कर दिया, उसके पास कुछ भी नहीं था सिर्फ कपड़े के सिवा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि इसका स्क्रीन जो है ना, जैसे कि आप अगर कहीं मतलब एग्जैक्ट आप अचानक से 180 डिग्री पूरा घुमाते हो ना, तो यहाँ पर एक दिक्कत होता है कि वो घूमता नहीं है सही से, कभी कभी वो खुद ऑटोमेटिक घूम जाता है, मतलब स्क्रीन जो है ना कभी कभी इसका, मतलब आप जो ऑर्डर नहीं भी देते हैं वो अपने आप कर जाता है। जब टाइम पर बंदूक चलाना या फिर फायरिंग करना होता है ना, तो वो फायरिंग नहीं होता है जी हाँ। स्क्रीन को लेकर प्रॉब्लम होता है, गेम के अंदर कोई भी गेम प्ले में प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन इसका और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं बताता हूँ, नॉर्मल डिवाइसेज में जैसे Realme U1 है हमारा, Oppo F1 भी है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको Oppo F1 में एक बार गेम प्ले देने का, ठीक है, बट अभी नहीं दूंगा क्योंकि Oppo F1 के जो ओनर है उससे मेरी बात हो जाएगी तो ही मुझे परमिशन मिलेगा। लेकिन Oppo F1 में मुझे प्रॉब्लम नहीं लगा था, क्योंकि उसमें जो गेम चलता है वो फिर भी 3-4 गेम चल जाता है और बैटरी उसका रहता है। लेकिन और Realme U1 तो बहुत ही अच्छा है, इसमें मैं 3-4-5 गेम खेल लेता हूँ 100% से, फिर भी इसमें जो है आपको बैटरी मिल जाता है 80-70% तक बचा रहता है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, हो हाँ ये बात मैं मान लेता हूँ कि ये देखिए ये ग्लिच है, ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा ग्लिच है, मतलब जो टायर है पूरा ज़मीन में धंसा हुआ है, अजीब लग रहा है ये। बहुत ही अच्छा चीज़ है, मुझे कंटेंट मिल गया है, मतलब शायद मैं इसको थंबनेल में लगा सकता हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ही बेस्ट लग रहा है। मैं जंप करके देखता हूँ, मैं ड्राइव करूँगा शायद गाड़ी बाहर आ जाएगा, वो बाहर आ गया गाड़ी, वो बाहर आ गया। अच्छा तो ये बता रहा हूँ कि मतलब जो हो सके 2015 में AI नहीं आया था, लेकिन भाई आप ऐसा बैटरी तो दे सकते थे ना एटलीस्ट, पता मतलब सर्वाइव कर सके 3-4 साल, मतलब 0% हो जाता है सिर्फ 2 से 3 गेम खेलने में जी हाँ, 0% नहीं होता है, 10-15% बचा रहता है उस वक्त, लेकिन 2 से 3 गेम अगर लंबे लंबे आप खेल लेते हो ना, तो मतलब आपका बैटरी जो पूरी तरह से जो है आपका बैटरी ख़त्म हो जाता है जी हाँ, ख़त्म मतलब कि पूरा एकदम चार्ज नहीं लगाए तो फ़ोन एकदम ऑफ भी हो जाएगा। फ़ोन बहुत ही अच्छा है, ठीक है, फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं मुझे नहीं लग रहा है, और ना ही मुझे अभी तक कुछ ऐसा लग रहा है कि मतलब हाँ ये वो, मतलब कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस बैटरी इशू सबसे ज़्यादा है, और स्क्रीन जो है मतलब अपने आप जा मतलब ऑर्डर ले लेता है, मतलब ये मैं ऑर्डर भी नहीं देता हूँ फिर भी ये मुझे कौन मार रहा है पीछे से, पता नहीं कोई है, उसको तो मैं मार ही दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा गेम प्ले बहुत ही स्मूथ चल रहा है, हाँ हल्का फ्रेम ड्रॉप्स जो है वो हो रहा है, दिक्कत मुझे थोड़ा सा लग रही है, बट गेम जो है बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, ठीक है, आप यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। तो चलिए ये गाड़ी चलाने के समय ये बंदा है, उसको मैंने मार दिया है, तो चलो इसको मार ही देते, ख़त्म कर देते जड़ से। हो चुका है मेरा 4 किल्स, और भी किल्स होंगे आगे। ओके तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कोड बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए आप थोड़ा देर के लिए जो है आप टाइम लैप्स देख लीजिए, मैंने काफ़ी ज़्यादा बकर बकर कर लिया, थोड़ा सा गेम प्ले भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मुझे लगता है कि मेरे पार्टनर ने मुझे यहाँ बुला रहा है, वो मैं उसके पास ही जा रहा हूँ, देखता हूँ, मुझे लगता है गेम हम लोग जीत चुके हैं। मैं अपने पार्टनर के पास गया, वो मुझे बुला रहा था कि भाई इधर आ इधर आ इधर आ, मैं उसके पास गया तो मतलब गेम जीत चुके हैं, ठीक है, हम लोग गेम जीत चुके हैं। आप देख सकते हैं, आपको अगर अच्छा लगा होगा Samsung S6 Edge Plus में ये गेम देखने में, तो प्लीज़ इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, हमारे चैनल पर अगर आप नहीं आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को भी कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और हम इस वीडियो को अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो शेयर जरूर से ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो बहुत ही अच्छा गेम प्लेयर है, बहुत ही बेस्ट रहा है, मतलब सैमसंग में खेलने में मज़ा आता है, ऐसा बात नहीं है, फ्लैगशिप अभी तक अच्छा काम कर रहा है। तो ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा, ठीक है, बार बार मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, नहीं लगता है तो कुछ मत करिएगा, लेकिन डिसलाइक मत करिएगा, बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट लगता है, बहुत ही बुरा लगता है डिसलाइक देखकर, और
क्योंकि भाई मैं डिसलाइक के काबिल हूँ नहीं, मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं बनाऊँ कि यार कोई डिसलाइक भी मुझे कर दे, बट फिर भी ठीक ही, अगर डिसलाइक कर भी देते हो तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो ये मत, मेरा वीडियो था सैमसंग गलेक्सी A6 Plus, मैं देखता हूँ मैं और भी कोई पुराने फ़ोन से जिसमें मैं पबजी चला पाऊँ, तो मैं वैसा वीडियो ज़रूर लाऊंगा आपके सामने। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कोई धमाकेदार वीडियो में, और हो सके मेरे और भी अच्छे कंटेंट्स आने वाले चैनल पर, तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू। Through the highways and the